गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे शक्ति की प्रकृति के विषय में। इससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि पिछले लेक्चर में हमने शक्ति के स्रोतों के विषय पर चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने सत्ता, धन, व्यक्तित्व, नेतृत्व, ज्ञान, संगठन, विभिन्न संचार साधन आदि के विषय में चर्चा की। और आज के इस लेक्चर में हम जो नेचर ऑफ पावर है के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। राजनीति विज्ञान में वैसे तो शक्ति की जो अवधारणा है, उसकी जो प्रकृति है, उसकी व्याख्या कई रूपों में की गई है। और आज के इस लेक्चर में हम शक्ति की जो प्रकृति है उसके विषय में कुछ जो रूप हैं उसके, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि शक्ति का संबंधात्मक जो रूप है, और यदि आप देखें तो शक्ति जो है वो संबंधात्मक होती है, अर्थात शक्ति दो लोगों को जोड़ती है। इससे पहले हम ये देखें कि शक्ति की परिभाषा की है, जिसके परिभाषा क्या है, जिसके बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि शक्ति जो है वह क्षमता है दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की या अपनी इच्छा अनुसार किसी के व्यवहार में परिवर्तन करने की। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि शक्ति जो है वह संबंधात्मक होती है, क्योंकि एक व्यक्ति या एक समूह जो प्रभावित करता है और दूसरा जो प्रभावित होता है, तो ऐसे में इसमें जो संबंधात्मक स्वरूप है वह पाया जाता है। शक्ति विभिन्न समूहों अथवा लोगों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्याख्या करती है, अर्थात यह जो है वह द्विपक्षीय या बहुपक्षीय होती है। व्यवहारिक रूप से शक्ति एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों को अपने अनुसार कार्य कराने की क्षमता को कहा जाता है। संस्था की शक्ति, व्यक्ति की शक्ति, समूह की शक्ति के लिए क्रमशः दूसरी संस्था, व्यक्ति और समूह होना जरूरी है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो शक्ति की प्रकृति है वह संबंधात्मक है, और इसमें दो पक्षों का, कम से कम दो पक्षों का होना आवश्यक है ताकि उनके मध्य संबंध स्थापित किया जा सके। यदि आप उदाहरण के तौर पर देखें तो सरकार द्वारा जितने भी कानून बनाए जाते हैं, जनता द्वारा उनका पालन किया जाता है। तो ऐसे में ये दो पक्ष हैं शक्ति के। यहाँ शक्ति बल के रूप में कार्य न करके प्रभाव के रूप में कार्य करती है, या वैधता के कारण सरकार को यह शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह जनता के लिए कानून का निर्माण कर सके। और चूंकि जनता इसी वैधता के माध्यम से सरकार से जुड़ी है, अतः जनता के लिए उन कानूनों का पालन करना भी आवश्यक हो जाता है। अब हम देखते हैं शक्ति के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। शक्ति कई प्रकार की हो सकती है, जैसे राजनीतिक शक्ति, सैनिक शक्ति, धार्मिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, विचारों की शक्ति या जनमत की शक्ति। शक्ति के ये जो सिद्धांत हैं परस्पर एक दूसरे से, शक्ति के जितने भी रूप हैं परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। हालांकि कोई भी किसी के अधीन नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी ये विभिन्न रूपों में परस्पर विरोधी अथवा सहयोगी हो सकते हैं। हालांकि पूर्ण रूप से शक्ति के इन विभिन्न रूपों को पृथक नहीं किया जा सकता। यदि हम राजनीतिक शक्ति और धार्मिक शक्ति का उदाहरण लें, तो कई बार जो हमारे विभिन्न धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं वो राजनीतिक शक्ति से प्रभावित होते हैं, क्योंकि जो राजनीतिक शक्ति है या जो सत्ता में लोग बैठे हैं, जो कानून निर्माण करते हैं, वे निश्चित तौर पर धार्मिक जो हमारी स्वतंत्रता है या विचारों की जो स्वतंत्रता है उसे कई रूपों में प्रभावित कर सकते हैं। यदि आप सैनिक शक्ति को भी देखें तो सैनिक शक्ति भी कहीं ना कहीं कुछ मायनों में राजनीतिक शक्ति के अधीन होकर ही कार्य करती है, और जहां अधीन होकर कार्य नहीं करती और जहां अपने आप को एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित करती है, वहां तख्ता पलट या सत्ता परिवर्तन देखा जा सकता है। विभिन्न आर्थिक जो नीतियाँ हैं वह भी सरकार द्वारा तय की जाती हैं, तो ऐसे में निश्चित तौर पर राजनीतिक जो शक्ति है वह कहीं ना कहीं एक जो मॉनिटरिंग एजेंसी होती है, जिसे हम कहते हैं, वो उसके रूप में कार्य करती है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि शक्ति के ये जो विभिन्न रूप हैं ये एक दूसरे से न केवल प्रभावित होते हैं बल्कि एक दूसरे को प्रभावित करते भी हैं। जैसे जो धार्मिक शक्ति है, निश्चित तौर पर जो चुनाव होते हैं या जब भी चुनाव जीतने की बात आती है, धार्मिक शक्ति या आर्थिक कारणों को, इन सबको एक प्रकार दरकिनार नहीं कर सकते। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि शक्ति के जो विभिन्न रूप हैं ये आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, कहीं ये सहयोगी के रूप में तो कहीं विरोधी के रूप में भी कार्य करते हैं।
हम बात करते हैं वास्तविक और संभावित शक्ति की। शक्ति वास्तविक तथा संभावित शक्ति के रूप में देखी जा सकती है। शक्ति धारक स्वयं शक्ति का प्रयोग करता है तो उसे वास्तविक शक्ति कहते हैं, और राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो उसे संभावित शक्ति कहते हैं। तो कुल मिलाकर यदि आप वास्तविक शक्ति और संभावित शक्ति का ये फ़र्क देखें तो ये आपको राजनीतिक क्षेत्र में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं औचित्यपूर्णता की। शक्ति औचित्यपूर्ण होती है, औचित्य के अभाव में इसे बल कहा जाता है, और बल जो होता है वो एक प्रकार से दमनात्मक या अत्याचारी होता है। शक्ति की औचित्यता उसके जनहित तथा जनरक्षा में प्रयोग के रूप में स्पष्ट होती है। इस स्थिति में उसे जनसहमति प्राप्त होती है, परिणाम स्वरूप स्थायित्व की स्थिति आ जाती है। औचित्यपूर्णता जो है उसे वैधता भी कहा जाता है। जब भी हम किसी भी सरकारी आदेश का पालन करते हैं तो उसके अंतर्गत वैधता निहित रहती है, औचित्यपूर्णता निहित रहती है, न कि बल निहित रहता है। जब शक्ति के साथ वैधता नहीं होती तो वह बल हो जाता है, लेकिन जब शक्ति के साथ वैधता जुड़ जाती है तो वह प्रभाव हो जाता है। तो ऐसे में सरकारें जितने भी कानूनों का निर्माण करती है वो निश्चित तौर पर जनता के कल्याण के लिए होते हैं, जनसहमति पर आधारित होते हैं। अतः जनता जो है वह स्वाभाविक रूप से उन कानूनों को का पालन करती है या सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों की पालना करती है। इस संदर्भ में आप यदि देखें तो ट्रैफिक पुलिस का उदाहरण ले सकते हैं कि जब ट्रैफिक रूल्स जो हम फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर उसके पीछे शक्ति के साथ वैधता जुड़ी हुई होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये चीज़ें हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है। तो ऐसे में जब भी व्यापक जन समूह द्वारा किसी आदेश का पालन किया जाता है तो उसके में शक्ति के साथ साथ वैधता अवश्य ही निहित होती है, और यही कारण है कि लोकतंत्र में या प्रतिनिधि जो शासन है उसके अंतर्गत जितने भी कानून होते हैं वे सब औचित्यपूर्णता लिए हुए होते हैं। ऐसे में जनता द्वारा ऐसे कानूनों का पालन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि शक्ति की जो प्रकृति होती है वह संचित होती है। यह किन्हीं निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहती है। शक्ति न केवल अपने वर्तमान रूप एवं स्थिति की रक्षा करना चाहती है बल्कि उसका सतत संचय भी करती है और उसमें वृद्धि भी करती है। यदि शक्ति द्वारा अपनी रक्षा वृद्धि एवं संचय का प्रयत्न रोक दिया जाता है तो ये कहा जाता है कि शक्ति का जो अंत है वो निकट है। किंतु जब अपनी रक्षा वृद्धि एवं संचय का प्रयत्न करती है तो शक्ति स्वयं अपना साध्य भी बन जाती है। तो कुल मिलाकर शक्ति जो है वो संचयी प्रकृति की होती है। तो हमने देखा कि जो शक्ति की प्रकृति है वह संबंधात्मक भी है, शक्ति के कई रूप भी हैं, जैसे आर्थिक शक्ति, सैनिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, धार्मिक शक्ति, जनमत की शक्ति या वैचारिक शक्ति। साथ ही शक्ति जो है वो वास्तविक और संभावित भी है, और जब भी शक्ति के साथ औचित्यपूर्णता या वैधता का विलय हो जाता है वह जो है वह प्रभाव का रूप ले लेती है या कहीं ना कहीं प्रभावपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा शक्ति की जो प्रकृति है वह संचित भी होती है। अब हम आगे देखते हैं कि शक्ति के जो आपके प्रयोग क्या हैं और शक्ति की जो है सीमाएँ क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शक्ति के प्रयोग की। शक्ति का प्रयोग शक्ति धारक द्वारा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है, अर्थात जो मनवांछित परिवर्तन हम दूसरे के व्यवहार में लाना चाहते हैं इसलिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है। शक्ति का प्रयोग दंड, पुरस्कार, प्रलोभन, धमकी, डराना, भय आदि के रूप में किया जा सकता है, लेकिन शक्ति धारक इनका प्रयोग जितनी चतुराई से करता है वह उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त करता है। शक्ति के नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों ही जो हैं वो स्वरूप हो सकते हैं, और जो शक्ति धारक है, सत्ता धारक है, वह इनका प्रयोग जो है वह अपनी आवश्यकता के अनुसार करता है। लेकिन इसमें भी जो विभिन्न शासन व्यवस्थाएं होती हैं उनके आधार पर शक्ति का जो प्रयोग है उसे आप इंगित कर सकते हैं कि लोकतंत्र में किस प्रकार की शक्ति का प्रयोग होगा, या यदि सर्वाधिकारवादी शासन है तो उसमें शक्ति के किन रूपों का प्रयोग किया जाएगा, और इसी के आधार पर हम इनमें भेद भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि शक्ति के प्रयोग की सीमाएं क्या हैं। शक्ति का प्रयोग स्वेच्छाचारी, निरंकुश तथा असीमित न होकर सापेक्ष होता है।
शक्ति के प्रयोगकर्ताओं को भी अनेक मर्यादाओं और निश्चित तौर पर अंकुशों या नियंत्रणों का सामना करना पड़ता है। शक्ति की अपनी मर्यादाएं हैं, उद्देश्य, लक्ष्य, धर्म, परंपराएं, इतिहास एवं नैतिक मूल्य आदि होते हैं। जैसा कि हम पूर्व में बात कर चुके हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती है उसमें शक्ति का मनमाना प्रयोग नहीं किया जा सकता, वरन जनमत जो है वो सरकार पर दबाव बनाए रखती है कि शक्ति का जो प्रयोग है वो मात्र प्रभाव के रूप में किया जाए, न कि बल यानी कि दमनकारी शक्ति का प्रयोग लोकतंत्र में संभव नहीं है। और यदि सत्ता द्वारा ऐसा किया जाता है तो निश्चित तौर पर सत्ता परिवर्तन या एक जिसे हम आंदोलन की स्थिति या क्रांति के माध्यम से या विद्रोह के माध्यम से जो सत्ता परिवर्तन होता है वह संभव है, लेकिन जो नकारात्मक स्वरूप है शक्ति का उसका प्रयोग जो है वो सर्वाधिकारवादी जो शासन होते हैं उसमें काफ़ी अधिक किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने शक्ति की प्रकृति के विषय में पढ़ा और साथ ही शक्ति का प्रयोग और शक्ति प्रयोग की क्या सीमाएं हो सकती हैं के विषय पर चर्चा की। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम शक्ति की बल, प्रभाव और सत्ता से मतलब किस प्रकार तुलना कर सकते हैं, इनमें क्या अंतर है और क्या समानताएं ये विभिन्न अवधारणाएं रखती हैं के विषय में चर्चा करेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।